नमो नमः। कहते हैं शर्म या लज्जा व्यक्ति का आभूषण होता है और हमें हर जगह लज्जा करनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि चार पांच जगह ऐसी है जहां पर हमें कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हमने वहां पर लज्जा या संकोच की तो फिर हम कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर है कि धन धान्य प्रयोगेशु विद्या या सक्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। कहते हैं कि धन और धान्य के प्रयोग में आपको कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। यदि आप धन का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए भी नहीं करेंगे तो आप कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपके पोषण के लिए जितने धान्य की आवश्यकता है, जितना धान्य खर्च होना है, उसमें भी यदि आप कंजूसी करेंगे तो फिर आप उचित पोषण प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आप सुखी नहीं रह सकते। इसी प्रकार से विद्या के संग्रह में भी यदि आप लज्जा करेंगे, शंका करेंगे, तो आपको विद्या या ज्ञान की प्राप्ति कहीं से भी नहीं हो सकती। कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति में लज्जा त्याग देनी चाहिए। आपको जहां से भी विद्या की प्राप्ति हो आपको लेनी चाहिए, चाहे छोटे व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से, उम्र में छोटा, ओहदे में छोटा या बड़ा व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति, जान पहचान का हो, अनजान हो, या कोई अपना गुरु हो, या कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो ज्ञानी हो, जो उस ज्ञान को रखने वाला हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान का क्षेत्र अलग होता है। एक प्रत्येक व्यक्ति हर ज्ञान में माहिर नहीं होता, लेकिन वो अपने ज्ञान का एक विशेषज्ञ होता है। तो हमें विद्या की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति उसकी विशेषज्ञता को देखते हुए उससे प्राप्त करनी चाहिए, और यदि उसमें पहल करनी पड़े तो हमें उससे सबसे पहले हमें उसको श्रद्धा प्रदर्शित भी करनी चाहिए और हमें पहल भी करनी चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि आहार और व्यवहार में भोजन करते समय आपको लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर आप भोजन करते समय बस ये सोचेंगे कि कहीं कोई ये ना सोचे कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, नहीं नहीं बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही, तो फिर क्या होगा कि आप भूखे रह जाएंगे, और भूखे रह जाएंगे तो बाद में फिर आपको भोजन की आवश्यकता होगी। उस समय आपको बड़ा पछतावा होगा कि मैंने, काश जिस समय मैं भोजन कर रहा था मैंने ढंग से भोजन कर लिया होता। इसके अलावा व्यवहार में, आपसी व्यवहार में, हम कई बार सोचते हैं कि सामने वाला ही व्यक्ति हमसे बात करे, हम क्यों करें। तो इस तरह से यदि हम सोचते हैं तो कई बार हमारे जो अच्छे संबंध होते हैं वो भी हमारे खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए व्यवहार करने में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, लज्जा त्याग देनी चाहिए। तो ये कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमें संकोच नहीं करनी चाहिए और लज्जा नहीं करनी चाहिए, और यहां पर हम लज्जा करेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकेंगे।